हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल एकेडमी। आपका राज ट्यूटोरियल एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। और यहां पे मैं नया टॉपिक लाया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे RGPB का एग्जाम हो, चाहे UPTU का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे IIT JEE का एग्जाम हो, हर जगह ये पूछा जाता है कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड के कितने टाइप्स हैं, फ्लूइड में क्या क्या आता है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, आपको बताने वाला हूं फ्लूइड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके अलावा इनमें पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ कैसे यूज करते हैं, पास्कल लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो आप कंटिन्यू बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं टॉपिक का नाम यहाँ पे है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देखिए फ्लूइड होते कितने टाइप्स के हैं। देखिए जनरली फ्लूइड हम लोगों ने पढ़े हैं दो तरह से। जनरली यहाँ पे मैं 5 टाइप्स से बताऊंगा। यहाँ पे हमने दो तरह से पढ़े हुए हैं, 2 टाइप्स का फ्लूइड पढ़े हुए हैं। एक आइडियल फ्लूइड पढ़ा है और दूसरा पढ़े हैं रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं और रियल फ्लूइड क्या होते हैं, पहले इसके बारे में, पर इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आइडियल फ्लूइड की बात करता हूँ। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वह फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो और जिसमें केवल डेंसिटी हो, डेंसिटी के अलावा बाकी कोई प्रॉपर्टी ना हो। वह फ्लूइड जिसमें केवल डेंसिटी के अलावा कोई प्रॉपर्टी ना हो, विस्कोसिटी जीरो हो, सरफेस टेंशन जीरो हो, सब कुछ हो ही ना, कोई प्रॉपर्टी ना हो केवल डेंसिटी के अलावा, तो आइडियल फ्लूइड क्या हुआ। आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जिसमें डेंसिटी के अलावा उसमें कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो हम उसको बोल देते हैं आइडियल फ्लूइड। नेचर में आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे कोई फ्लूइड ही नहीं कि जिसकी केवल डेंसिटी हो और कोई प्रॉपर्टी ना हो, ना उसकी विस्कोसिटी हो, ना उसमें कोई टेम्परेचर का इफेक्ट हो, प्रेशर, मतलब उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी हो ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियल फ्लूइड क्या हो गया। आइडियल फ्लूइड मतलब जिसमें डेंसिटी के अलावा कोई प्रॉपर्टी ना हो, विस्कोसिटी जीरो हो, सरफेस टेंशन जीरो हो, सब कुछ जीरो हो, केवल डेंसिटी हो, तो उसको हम बोल देते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल थ्योरेटिकल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड जो है ये केवल थ्योरेटिकल फ्लूइड है। थ्योरेटिकल फ्लूइड मतलब ओनली थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है उसको, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचर में कोई भी आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद फिर आते हैं रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड क्या हुआ, रियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जिसमें सारी प्रॉपर्टी हो, फ्लूइड की सभी प्रॉपर्टी जो हो उसे हम बोलेंगे रियल फ्लूइड। द फ्लूइड इन विच ऑल द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, डेंसिटी हो गया, और स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, मास, सभी चीजें उसमें हो, सभी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, सभी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करें, उसको हम लोग बोल देते हैं रियल फ्लूइड। नेचर में जितने भी फ्लूइड हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल में जितने भी फ्लूइड हैं, ये सभी फ्लूइड जो होते हैं वो रियल फ्लूइड होते हैं। आप जितने भी फ्लूइड पढ़ेंगे ये सभी फ्लूइड कैसे होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड समझ गए आप। आइडियल फ्लूइड मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल फ्लूइड में सभी प्रॉपर्टी होंगी, सभी विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास, सब कुछ, वेट डेंसिटी, इसमें सारी प्रॉपर्टी रहेंगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि विस्कोसिटी क्या होता। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो होने के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो यहाँ पे मैं टाइप्स की बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ लिखे डायग्राम से, मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ डायग्राम सबसे। यहाँ हॉरिजॉन्टल मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट को, और वर्टिकल में लिया है शियर स्ट्रेस को। हॉरिजॉन्टल में लिया है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, वर्टिकल में लिया है शियर स्ट्रेस को, दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल में आपने लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट को, वर्टिकल में मैंने लिया हुआ यहाँ पर शियर स्ट्रेस को। अब देखिए, अब इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DU / DY।
शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, डीयू अपॉन डीवाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, टाउ पे यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब ये डीयू अपॉन डीवाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं हम और शियर स्ट्रेन भी पढ़ते हैं, दोनों एक ही चीज है। मतलब डीयू अपॉन डीवाई क्या है, यहाँ पर डीयू अपॉन डीवाई जो है, डीयू अपॉन डीवाई को पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसी को पढ़ते हैं और इसी को पढ़ते हैं शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ध्यान रखना स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस तो ये है टाउ, टाउ यहाँ पर शियर स्ट्रेस है। मतलब कहने का है कि यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेन, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेन दोनों एक ही चीज है। अब जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे उसे हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटोनियन फ्लूइड। जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, वैलिड करे, उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को वैलिड करे या उसको फॉलो करे तो अपन उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड में देखिए टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीयू अपॉन डीवाई के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। देखो तो यहाँ ये वाली लाइन दिख रही होगी, ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये लाइन जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड। ये जो लाइन है ये वाली 45 डिग्री पे है अप्रोक्स, ये वाली जो लाइन दिख रही है वेलोसिटी ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में शियर स्ट्रेस है। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी जो 45 डिग्री अप्रोक्स है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ये वाली जो लाइन है ये न्यूटोनियन फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूटोनियन फ्लूइड को। देखो ये लिखा हुआ है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूटोनियन फ्लूइड को। मतलब ये लाइन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी वैलिड हो रहा है इस पर, तो इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे, जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे तो आप उसको बोल देते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोल देते हैं उसको, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए कैसे, यहाँ पर ये वाला एक कर्व दिख रहा होगा आपको, देखो ये कर्व दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हुआ, जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे, जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे उसे हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये वाला जो डायग्राम ये दिख रहा है आपको कर्व, ये जो कर्व है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का है, किसका है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को वैलिड नहीं करता है। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये दिख रहा होगा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये जो लाइन दिख रही है किसकी है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का मतलब क्या है ये थोड़ा समझना, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होगी। मतलब शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो यील्ड से, वो यील्डिंग वैल्यू से ज्यादा होगी, मतलब यील्ड स्ट्रेस से क्या होगी, ज्यादा। और जो लॉ है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल रहेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट की, मतलब यहाँ शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल तो रहेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट की, लेकिन जो शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू है वो यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, यील्ड वैल्यू से। तो यील्ड वैल्यू से अगर वैल्यू ज्यादा हो तो उसको हम पढ़ते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्या पढ़ते हैं इसको, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और ये आइडियल सॉलिड है, आइडियल सॉलिड देखिए, आइडियल सॉलिड की अगर हम बात करें तो आइडियल सॉलिड में वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगी। मतलब आइडियल सॉलिड अगर है तो उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट अपन ने ये पढ़ा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट डीयू अपॉन डीवाई, डीयू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डीवाई मतलब चेंज इन डिस्टेंस, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस। तो डीयू अपॉन डीवाई मतलब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज अपॉन चेंज इन डिस्टेंस रहेगी नहीं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आइडियल सॉलिड जो है ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। आइडियल सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइडियल सॉलिड को। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइडियल सॉलिड को। तो यहाँ पर आइडियल सॉलिड के केस में वो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं रहेगा, ये केवल सीधी वर्टिकल लाइन होगी। तो ये पांच तरह के फ्लूइड हैं, ये पांचों तरह के फ्लूइड हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे गेट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे नीट हो, हर एग्जाम में, या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो आरजीपीवी का हो, यूपीटीयू का हो, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने तरह के होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे 5 टाइप्स के बताए, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बाद
आइडियल प्लास्टिक फ्लूड और आइडियल सॉलिड, ये इस तरह से फ्लूड यहाँ तक ही है, ये तो आपका आइडियल सॉलिड हो गया। तो इस तरह से ये फ्लूड का क्लासिफिकेशन है। फ्लूड कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कराऊंगा IIT JEE फिजिक्स और नीट के लिए फिजिक्स और गेट IES ये उसी में कवर होता जाएगा साथ में। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।